सतीश महाना भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो इस दौरान आरएलडी के विधायक भी साथ नजर आएंगे। एसपी ने विधानसभा अध्यक्ष के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। तो बड़ी खबर, योगी सरकार का अयोध्या दौरा आज रहने वाला है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, मंत्री और विधायकों के साथ आज रामलीला के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, आरएलडी के विधायक भी साथ नजर आएंगे। और अगर यदि एसपी की बात की जाए तो एसपी ने विधानसभा अध्यक्ष की जो निमंत्रण पत्र है उसको भी ठुकरा दिया है, निमंत्रण को ठुकराया है। विधानसभा अध्यक्ष के निमंत्रण को यहां पर एसपी ने ठुकरा दिया है। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। 12:30 से 2 बजे तक रामलीला के दर्शन की जाएगी। साथ ही साथ प्लेन से अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। और बता दें कि 3:15 बजे लखनऊ रवाना होंगे मंत्री और विधायक। इसके बाद लखनऊ का कार्यक्रम 2021। देखिए किस तरीके से यहां पर यह पूरी जानकारी मिल रही है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता आलोक पांडे और हमारे साथ संजीव आजाद भी जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए आज मुख्यमंत्री का दौरा रहने वाला है अयोध्या का, बेहद ही महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ था और ये हुआ था कि यहां से विधायकों को राम दर्शन कराए जाएंगे, अयोध्या लेके जाएंगे, वो दिन आ गया है। आपको सबसे पहले तैयारी का नजारा दिखा देते हैं। बसें तैयार हैं और ये 10 बसें हैं जिनमें विधायक और उनका परिवार साथ में जाएगा। हमारे साथ विधायक हैं रितेश गुप्ता जी और साथ में उनका परिवार भी है। तो इस शुभ मौके पर क्या कहेंगे? हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये सौभाग्य हमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से प्राप्त हुआ है कि इन्होंने सारे विधायकों को एक साथ दर्शन करने के लिए अयोध्या जी बुलाया है। और हमारे अध्यक्ष जी श्री सतीश महाना जी के नेतृत्व में सारे विधायक सतीश महाना जी के साथ बसों में जा रहे हैं और भगवान श्री राम के खुले दर्शन आज हम लोगों को मिलेंगे। एक बात बताइए, जब बस में चलेंगे, सफर करेंगे, तो क्या क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ से बैठने पहले तो चाय कॉफी यहीं पे है, फिर उसके बाद अयोध्या तक किस तरह का दर्शन है? हम लोगों को ब्रेकफास्ट बस में दिया जाएगा और उसके बाद दर्शन, हनुमानगढ़ी जी के दर्शन होंगे, उसके बाद भगवान श्री रामलला के दर्शन होंगे, फिर वहां लंच की व्यवस्था की गई है, उसके बाद फिर हम लोग बसों से वापस लखनऊ आ जाएंगे। आपके साथ आपकी पत्नी भी है? मेरे साथ मेरी पत्नी अल्पना जी भी हैं। अल्पना जी, दर्शन कैसा रहेगा? इससे पहले आपने कब किया था प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या दर्शन होगा? मैंने जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी उसी दिन दर्शन किए थे टीवी के माध्यम से। तो आज मैं उनके साक्षात दर्शन करूंगी, इसके लिए मेरा मन बहुत अद्भुत उत्साहित है कि इतने अलौकिक दर्शन करने के लिए, जो कि अभी हम अखबार में ही पढ़ते थे, सब कुछ देखते थे टीवी में, आज हम साक्षात दर्शन करेंगे। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सभी विधायकों को एक साथ ले जाने का ये जो संदेश दिया है ये बहुत ही अच्छा है। भाजपा में इस तरह के कार्य होते रहते हैं, तो ये भाजपा जो है हमारी बहुत अच्छी पार्टी है और उन्होंने हमें सनातन धर्म की जय हो, भारतीय जनता पार्टी की जय हो का नारा लगाते हुए आज हम रामलला के दर्शन करेंगे। जब आप सुबह तैयार हो रहे थे तो आमतौर पर मंदिर में जाने के लिए फिर पूजा पाठ भी किया जाता है, सम्मान या पूजा, तो अगर माने तो क्या भगवान से, क्या किस तरह की मनोकामना? मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति जो विधायक हैं उन्हें हर 5 साल के बाद ये विधायकी का टिकट मिलता रहे, वो भाजपा की ऐसी सेवा करते रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। और मंडल का विस्तार भी होना है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये तो ठीक है, आलोक आएंगे आपके पास वापस। संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। संजीव, देखिए मुख्यमंत्री का दौरा आज रहने वाला है, उनके साथ साथ तमाम विधायक भी नजर आएंगे, आरएलडी के विधायक भी मौजूद होंगे, तो ऐसे में तैयारियां किस तरीके से फिलहाल अयोध्या में है और जानकारी क्या, कब तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, अगर अयोध्या की तैयारियों की जाए तो तैयारियां पूरी है और जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पूरी मंत्रिमंडल अयोध्या पहुंच रही है, खुद सीएम योगी भी पहुंच रहे हैं, करीब 11 बजे के आसपास सीएम योगी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और यहां से फिर रामलला के दरबार में जाएंगे, वही दूसरी तरफ
करीब 11:30 के आसपास पूरा मंत्रिमंडल और विधानमंडल के सदस्यों को पहुंचना अनिवार्य था। तो अगर प्रशासन की बात की जाए, चूंकि बड़ा इवेंट है, प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी है, क्योंकि जो रामलला का दर्शन मार्ग है वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ है, इसलिए जो वीवीआईपी आ रहे हैं इनको जो है अलग से जो है दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जब वो ये लोग अयोध्या में होंगे तो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पूरा सेक्टर जोन में बांट करके पूरी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। आला अधिकारी जो है सुबह से ही लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो पिछले करीब 3 से 3.5 घंटे का जो कार्यक्रम है अयोध्या में, इस दौरान उनको रामलला का दर्शन पूजन करना है। साथ ही साथ जो ठीक है संजीव, हमारे साथ आलोक लगातार बने हुए। आलोक, मैं चाहूंगी कि आप पूरी जानकारी दीजिए कि किस तरीके से वहां पर माहौल है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या की जो गर्मजोशी है, जो वहाँ अध्यात्म और धर्म है, वो आज यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी है मंकेश्वर जी। मंकेश्वर जी, आप कह रहे थे कि बड़ा सौभाग्य का पल है ये। निश्चित तौर पे केवल मेरे लिए नहीं, लगभग 120 करोड़ सनातनी जो पूरे विश्व में रह रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और आज हम सबको दर्शन भी मिलेंगे भगवान का, हम लोग बिल्कुल कृतकृत है। अच्छा, आपको इतने पुराने समय से मैं जानता हूँ, बतौर विधायक बतौर मंत्री शायद पहला मौका होगा जब आप अंदर से भी बड़े अच्छा महसूस कर रहे हैं कि मंदिर की यात्रा हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पे बिल्कुल एकदम प्रफुल्लित है, मन प्रफुल्लित है, तन प्रफुल्लित है, आत्मा प्रफुल्लित है। और भी है, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक है प्रदीप जी, बड़ा चर्चा है कि आप लोग भी जा रहे हैं। अरे क्यों नहीं जाएंगे, चर्चा की क्या बात है, ये तो आस्था का विषय है, जरूर जाना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ जो लोग आस्था रखते हैं उन्हें सबको जाना चाहिए। मैं तो अपने परिवार बच्चों के साथ जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ परिवार भी जी जी, जी 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 तो आगे तो ये परिवार और मजबूत होने वाला है, भाजपा गठबंधन एनडीए। अरे वो आगे आगे देखिए होता है क्या, चलते रहिए, आगे आगे चलेंगे, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पीछे की बात कर दे। तो सुबह की जो पूजा अर्चना थी और दर्शन, किस तरह का क्या मन में उत्साह? अच्छा उत्साह भैया, भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं ना। सब बेड़ा पार हो जाएगा, सब बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, तो राजनीतिक रूप से भी देखते हैं कि जिस तरह की बात चल रही है, मतलब हर तरीके से मजबूत होंगे भैया। राजनीति को और भगवान को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए ना, भगवान भगवान है, राजनीति राजनीति है। तो जो नहीं आए हैं क्या वो गलत कर रहे हैं? हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। भगवान का मंदिर एक राजनीति के हिसाब से नहीं बना है ना, भगवान का मंदिर तो सबके लिए बना है ना। अच्छा, सबके लिए बनाया। बिल्कुल सही कहा, आप उनके बेटे हैं प्रदीप जी के जी। किस तरह की शुभकामनाएं, किस तरह की मनोकामनाएं लेके चल रहे हैं आज? तो आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग गैदर हुए हैं वो सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक राजनीति और भगवान का इसमें कोई, सभी को जाना चाहिए था ना, सभी को जाना चाहिए था। यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, सबको दर्शन के लिए तो जरूर जाना चाहिए था आज। देखिए मैं आपको और दिखा दूं यहाँ पर कि अब जैसे जैसे ठीक 9 बजे ये बसें रवाना हो जाएंगी तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बस तैयार हो गई है। ये लोक भवन है, लोक भवन के सामने बस खड़ी है। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल से कहूंगा कि थोड़ा बाएं हाथ भी दिखाएं, एक लंबा लॉन्ग शॉट की देखिए किस तरीके का दिख रहा है अयोध्या जाने का। अगर हमें कहें कि आज राजनीतिक बस अड्डा बन चुका है, यहाँ पे बस से सफर करेंगे और सारी व्यवस्थाएं इनको बस में मिलेंगी और सुबह के नाश्ते से लेकर के फिर अयोध्या पहुंचना है और अयोध्या पहुंचने के बाद वहां दर्शन होगा। और भी बहुत सारे विधायक हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुछ वहां बैठे हुए हैं और आपको आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल है, हम आगे आपको लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे भी विधायक मिल रहे हैं बातचीत हो रही है। आइए एक विधायक जी देख रहे, विधायक जी फिर किस तरह की तैयारी देख रहे हैं? सब उत्साह है, सब लोग जा रहे हैं प्रभु राम के दर्शन करने हुए। मतलब जो जयकारा लगता है वो नहीं, सब लग रहे हैं। देखिए आप किस तरह का, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए यही जाकर के अयोध्या का माहौल होता है, वहां पे भाव और भक्ति का होता है। और जिस तरीके से यहाँ पर है, हम और बात कर लेते हैं अयोध्या की तैयारी। हाँ, अयोध्या की तैयारी और फिर मथुरा की बारी। मैं तो मथुरा से आता हूँ विधायक, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के आज अयोध्या, फिर अयोध्या से राम का संदेश लेकर के मथुरा जाएंगे। और मेरे जीवन में ये अद्भुत क्षण है, हम उस जीवन काल में जी रहे हैं कि जब भगवान राम का
राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो धन्य हो गए। 500 साल पुरानी तपस्या, 500 साल पुराना एक सपना जो पूरा हो रहा है, तो मैं एकदम बहुत आनंद हूँ। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर एक अलग माहौल है, हम और आपको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये देखना भी जरूरी है कि आखिर आज जो यहाँ का लोकभवन और विधानसभा के बीच का सड़क है वो किस तरीके से पटी हुई है। यहाँ पे विधायक मंत्री आ रहे हैं अपनी सरकारी गाड़ी को छोड़ करके।